हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट लगभग दो महीने के बाद हम एक और पॉडकास्ट लेके आपके सामने आए हैं वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू आवर फ्रेंड मनदीप सिंह इनसे हम आपको बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे लेंगे क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो को ओपन कर रहे हो पॉडकास्ट को सो so, उसके पीछे एक मोटिव होगा कि आपने अपने पहले स्टेप्स सोच रखे हैं जो भी स्टूडेंट पे होगा उसने सोच रखा है जो वर्क परमिट पे होगा उसने भी कुछ सोचा होगा जो पीआर पे होगा उसने भी नेक्स्ट लेवल अपना सोच के रखा होगा सो so, मोटिव यही होता है पीआर के बाद अगला स्टेप क्या होता है घर लेना और घर के बारे में कई डाउट्स आते हैं हमारे दिमाग में और उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही हमारी ये सोच थी कि एक ऐसी वीडियो सामने लाएँ जिसमें हर एक वो चीज़ क्लियर हो जो आपके दिमाग में शायद आ रही हो और शायद आप उन्हीं चीज़ों की वजह से घर ना ले पा रहे हो और झिझक रहे हो किसी भी रियल्टर के पास जाने के लिए कि भाई कैसे रिस्पॉन्ड होगा अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा सो so, हमने क्या किया हमने कई ऐसे फ्रेंड्स से अपना एक काइंड ऑफ अ क्वेश्चनर टाइप दिया और दो चार पांच फ्रेंड्स के साथ जिनके पास घर नहीं है एक्चुअली तो हमने ये किया कि उस क्वेश्चनर से अलग अलग क्वेश्चन उठाए और उन सबको बंच बनाया एक पूरा फॉर्मेशन तैयार किया एंड देन हमारा ये ध्यान है कि उन सारे क्वेश्चंस को हर एक चीज़ों को आपके सामने रखें वे नॉट प्रोमोटिंग मंदीप जी क्योंकि उनको प्रोमोशन की ज़रूरत नहीं है ही इज़ अ बिग पार्ट ऑफ रॉयल पेज कंपनी अगर मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर तो आपको दिख जाएगा वो न्यू ब्रंसविक में ही मंगटन में ही है बेस्ड हैं ट्वेंटी से बट टॉप टेन टॉप सिक्स टॉप फाइव तक भी हैं कई बार टॉप थ्री में भी आते हैं लिस्टिंग uh, के अंदर सो so, उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है बट उनके थ्रू हमें बड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा सो so, मैं ज़्यादा टाइम अब और ना लेते हुए मैं पहले चाहूँगा कि वो अपने आप को पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें फिर मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछूँगा हाँ जी थैंक यू सुहेल जी आपने अपने चैनल पर हमें इन्वाइट किया तो हम आपकी वीडियोज़ देखते रहते हैं वैसे तो आज हमें भी, भी मौका मिला आपके चैनल पर आने के लिए सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट और हाँ जी जैसे इन्होंने बताया कि आई एम इन रियल इस्टेट तो आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट टू इयर्स मेरे दो साल हो गए हैं लगभग इसी काम में और मैं हाँ जी कनाडा 2018 में आया था एंड ऑफ 2018 आई लैंडेड इन ऑनटैरियो ब्रैमटन आपको सब पता ही है जैसे सब जो पहले इंडियन आते हैं या बीसी पहुंचते पहुँचते हैं या ब्रैमटन पहुँचते हैं तो मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसे ही है तो वहाँ पे शुरू से मेरे अंदर जज्बा था कुछ अपना करने के लिए तो इसलिए आई चोज रियल इस्टेट एंड बट इनिशियली नो आई हैवन स्टार्टेड इन द रियल स्टेट वेन आई लैंडेड हेयर इन 2018 एटीन आई डेड मैनी जॉब्स मैनी आट जॉब्स कई सारे काम किए आर बी सी में स्कोशिया बैंक में भी काम किया और फाइनली जब मैं मॉन्टन मूव हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो आफ्टर uh, मेरे साथ छः सात महीने के बाद मैंने शुरू कर दिया था रियल इस्टेट का करने के लिए तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने इट्स बीन टू इयर्स एंड विद गॉड्स ग्रेस सो फार इट्स वंडरफुल थैंक यू सो जी सो मेरा मानना ये है कि हर बंदा जब यहाँ पर आता है हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है हर कोई uh, और जॉब्स करके जो आप इंडिया पर कभी सोच के भी नहीं आते वो करके यहाँ तक पहुँचते हो सो so, यही मैंने भैया को भी देखते हुए मतलब देखा कि भाई आप कैसे वेल well सेटल्ड हैं और आपने आप थोड़ी सी एक छोटे से ब्रीफ़ में उन्होंने अपनी स्टोरी दे दी आपको एक या दो मिनट के अंदर कि उन्होंने कितना कितना चीज़ें फेस करके आप यहाँ तक पहुँचते हो और हर किसी की अपनी स्टोरी होती है सो so, मैं ज़्यादा अब उस चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि अब पर्सनली हम एक पॉडकास्ट के ऊपर हैं सो so, पॉइंट ये है कि मंदीप जी आप क्या सोचोगे अगर कोई भी बंदे का डाउट में दिमाग में अगर कोई भी डाउट होगा कि अगर घर लेना है और वो चाहे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आज की डेट में आपने सिनेरियो देख लिए हैं कनाडा के सून वे आर अप्रोचिंग टू द इलेक्शंस हमें नहीं पता क्या होता है इलेक्शन के बाद इस कंट्री में कितने रूल्स yes. चेंज होते हैं हाँ जी बट पॉइंट ये होता है कि जैसे हम देख पा रहे हैं कोई सुनने में रूमर्स आते हैं कि आने वाले टाइम में घर लेना है मुश्किल हो जाएगा सो so आपके हिसाब से ये है कि घर लेना आज की डेट में आसान है या आगे सिनेरियो चेंज होने वाला है कुछ आप डाल पाओ uh, ये बहुत हाँ जी कॉमन क्वेश्चन है सबका कि घर कब लेना चाहिए सो so, हमारे रियल इस्टेट में एक सेइंग है कि इट्स नेवर टू लेट तो आप जितना जल्दी घर ले सकते हैं यू हैव टू एक्वायर इट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज यहाँ की जो मार्केट है इट्स टोटली डिफरेंट तो यहाँ की मार्केट ऊपर ही जाती है नीचे बहुत कम आती है ड्यूरिंग कोविड या हाई इंटरेस्ट रेट के कारण कभी नीचे हो भी सकती है बट अगेन इन द लॉन्ग टर्म फाइव ईयर्स टेन ईयर्स यू विल गेन इन द रियल इस्टेट और मेरा क्वेश्चन पहले वाले से कनेक्टेड ही होगा कि एक जैसे हम लोग दो साल पहले यहाँ थे तो मेरे एक फ्रेंड था उसने वर्क परमिट पे घर लिया था हाँ जी आई नो उससे कुछ ट्वेंटी परसेंट डाउन पेमेंट की थी ऐसा कुछ हमें सुनने में आया था बट बाद में ये भी सुनने में आया कि वो रूल्स चेंज हो गए या फिर अब वर्क परमिट होल्डर घर नहीं ले सकता तो आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करो कि कोई बंदा स्टूडेंट पर या वर्क परमिट पर घर ले सकता है आज की डेट में हाँ जी जी बिल्कुल ले सकता है वर्क परमिट पे अभी इन्होंने पीछे बैन लगाया था बट फिर रिसेंटली दे हैव चेंज द पॉलिसीज क्योंकि उसके बिना तो इनका गुजारा हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसे आएंगे 20% ऊपर mm. डाउन पेमेंट आएगा हाँ, वो ज़्यादा पे कर रहे हैं वर्क परमिट वाला भी 5% परसेंट पे ले सकता है ऐसी कोई बात नहीं है ही हैज़ टू पे ओनली 20% सो so, कई बैंक्स क्या कहते हैं कि सम ऑफ द बैंक्स समेत जितनी आपकी साल की मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट है यू हैव टू कीप दैट सेफ ओके सो अदर देन दैट Other banks, they still say you are most welcome. but only condition of the the work permit is like uh, on the day of closing आपके जो uh, कंडीशन रखी थी वो ये थी आपको फाइव इयर्स की रिटर्न होनी चाहिए आपके पास यू आर एलिजिबल टू प्रॉपर्टी और मैं थोड़ा सा बिटवीन वर्क परमिट होल्डर और पी आर होल्डर बैंक्स किस को घर ज़्यादा आसानी से दे देते हैं हंड्रेड परसेंट सारे बैंक्स आ, वर्क पर अपना पी आर को वेलकम करते हैं वर्क परमिट पर फिर कुछ कंडीशन होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि हमारे पास रिजर्व फंड रखो और आ, इसके अलावा इतना कोई डिफरेंस नहीं है आपको इंटरेस्ट रेट सेम ही मिलता है एक्चुअली चाहे आप पी आर पे हो चाहे वर्क परमिट पे हो

मेरा कोई फ्रेंड है वर्क परमिट पे है या फिर वो पी पे है फर्स्ट पॉइंट क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें घर लेने से पहले अपने आप को कहाँ कहाँ प्रिपेयर होके चले सो so, सबसे पहली बात है यू हैव टू गो टू बैंक फॉर अ प्री अप्रूवल अगर आपके पास प्री अप्रूवल है तो आप उस हिसाब से बजट आप अपना प्लान कर सकते हैं तो जब आप बजट प्लान करोगे तो डेफिनेटली इफ यू पे लाइक फाइव परसेंट और ट्वेंटी परसेंट वट एवर अमाउंट यू आर कंफर्टेबल विद यू आर बुटिंग ऑल योर सेविंग्स इन इन द डाउन पेमेंट सो आपके पास उसके बाद एमरजेंसी फंड नहीं रहता uh -huh. तो मैं अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करता हूँ बिफोर गेटिंग इन टू द मॉर्गेज जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लान टू गेट अ लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक अगर आपके पास पंद्रह बीस हज़ार की लाइन ऑफ क्रेडिट है तो खुदा न खासा आपने घर ले लिया और आपको उसकी मेजर रिपेयर हो जाती है आपको छत चेंज करानी है या कुछ चेंज कराना है उसका एनी थिंग एनी हैपन तो यू हैव दैट लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर योर एमरजेंसी फंड्स। ओके सो मतलब आपको वो हो जाना चाहिए और दूसरा आ, मैं आपका थोड़ा सा बीच में आपने अभी बात की थी प्री अप्रूवल की हाँ जी सो so, मैं जानता हूँ प्री अप्रूवल क्या है क्योंकि हमने अभी घर लिया बिल्कुल लोग नहीं जानते हाँ क्या है सो प्री अप्रूवल आप बैंक के पास जाते हो आप कहते हो कि मेरी इतनी लाइबिलिटीज uh, है मेरी इतनी इनकम है तो आप मुझे कितना लैंड कर सकते हो सो दे जस्ट गिवे पीस ऑफ पेपर लाइक ए लेटर Mm -hmm. कि आपको इतनी मॉर्गेज आप mm -hmm. आपकी मैक्सिमम वैसे थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड थाउजेंड आपकी मॉर्गेज हो सकती है सो so वो एक लेटर हमें बहुत जरूरी चाहिए होता है जैसा <coughs> जैसे हम ऑफर डालते हैं mm -hmm. तो जो सेलर है वो कंफर्टेबल होता है कि अगर हमारे पास प्री अप्रूवल हो तो जैसे हमने ऑफ़र डाली दो तीन और ऑफर्स आ रही हैं अगर घर के ऊपर mm -hmm. तो जिसके पास प्री अप्रूवल होगा डेफिनेटली द सेलर जो है उसके साथ ही जाएगा एक एक हाँ ये नदर, क्या क्या चीज है रिक्वायरमेंट एक बंदा सोच के चले जॉब फॉर श्योर होनी चाहिए जॉब तो हंड्रेडेंट और आपकी प्रोबेशन नहीं होनी चाहिए जॉब के ऊपर जैसे यहाँ पे प्रोबेशन होती है कई बार जैसे ओके आप ये हाँ कह रहे हो कि अगर वो इनिशियली कहीं पे ज्वाइन किया है और उसका जो प्रोबेशन टाइम पीरियड चल हाँ रहा है तो वो ना हो वो, वो क्रॉस हाँ करके आप पक्का हो उस जॉब में एंड देन यू कैन जस्ट गो फॉर दैट प्री अप्रूवल प्री अप्रूवल और कनेक्टिवली uh, आप अपने कपल के साथ भी प्री अप्रूवल कराओगे तो आपका ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा ऐसा मैंने सुनने में आया बिल्कुल अगर हां जी अगर दो लोग हैं दे हैव लाइक

जैसे आपने बता दिया जॉब होनी ज़रूरी है और वो प्रोबेशन पे नहीं होगा इसके अलावा कुछ और ऑप्शन की ये तो होना ही होना चाहिए हाँ जी और उसके बाद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको फाइव परसेंट डाउन आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम और उसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो सेवन हंड्रेड होना चाहिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स उनको क्रेडिट स्कोर सेवन हंड्रेड से ऊपर चाहिए जस्ट टू एड समथिंग यहाँ क्रेडिट स्कोर कैनाडा में जो इंडिया में सिविल स्कोर होता है वो उसे को यहाँ पर क्रेडिट स्कोर कहते हैं तो वो आपका आपकी बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन जो होती है वो आपको बता देती है और कई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी होती है जब आप किसी नोन फ्रेंड के उसमें भी आओगे तो बड़ी सारी एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर मिल जाएंगी आप अपना क्रेडिट स्कोर एटलीस्ट चेक कर सकते हो सो so एक भैया ने जो पॉइंट ऐड किया आप अपना क्रेडिट स्कोर अगर आपका पहले ही कम है सो यू कैन नॉट आप सोचो ही मत पहले उसको इंक्रीज़ पे लेके जाओ ताकि आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाए इसी क्रेडिट स्कोर से कनेक्टेड मेरे ध्यान में एक और क्वेश्चन भी है और ये मेरी फ्रेंड की तरफ से था हाँ जी किसी के पास नई गाड़ी ले लियो और ये पॉसिबली हम लोग करते हैं किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवा ली देन ही कैन गो फॉर हाउस अनोट हाँ जी डेफिनेटली वो घर के लिए जा सकता है पर उसके उस हिसाब से जितनी उसके, आ, की से उसके उसकी टोटल की लाइबिलिटी है उस हिसाब से उसकी मॉर्गेज अमाउंट अब कम हो जाएगी मतलब अगर वो फिफ्टी थाउजेंड की गाड़ी होगी और उसको चार हाँ लाख मिलने वाला होगा तो साढ़े तीन लाख मिलेगा ये कहना है जैसे फिफ्टी थाउजेंड उसकी डिपेंड करता कर इंस्टॉलमेंट कितनी है जीरो डाउन पे उसने गाड़ी हाँ जी नहीं नहीं जैसे उसकी मंथली हाँ जी जीरो जी, 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 डाउन पे ले ली उसने उसकी उसकी मंथली होगी 600 डॉलर डॉलर हाँ या स, हाँ अब वो 700 डॉलर की होगी उसके ऊपर अपना जैसे हम फोर्टी अपनी ग्रॉस इनकम से दे सकते हैं टूवर्ड्स लाइबिलिटी Okay. तो वो फोर्टी फोर परसेंट में से माइनस हो जाएगा तो जो रेस्ट होएगा उस हिसाब से अब अब उसको उसको दी जाएगी ऊपर नहीं जा सकते अब आप उस पे जाओ कि सजेशन में क्या करोगे कि अगर कोई बंदा गाड़ी लेने का सोच रहा है वो ले या पहले घर ले? ले गाड़ी बाद में, ले। गाड़ी में, ले। गाड़ी में ले। और गाड़ी बाद में लेनी वो जल्दी मिल जाती है घर नहीं होना तो ये एक पॉइंट है आ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप डुप्लेक्स प्रॉपर्टी लेते हो जैसे इंडिया यहाँ पर अपने होती है एक ऊपर आप रह रहे हो बेसमेंट आपने ले ली बेसमेंट आप रेंटल कर दो वो रेंटल से आपकी एक इनकम बन जाएगी देन घर इस काइंड kind ऑफ of आपके लिए बिजनेस हो जाएगा गाड़ी आपके लिए एक लाइबिलिटी होगी जो डेप्रिशिएट ही होगी मुझे पता है कई लोगों को प्रायोरिटी यही रहती है कि भाई पहले मैं गाड़ी निकलवा लूँ बट अगर अब हम सेंसिबली लेके चलते हैं तो पहला घर होना चाहिए भैया ये कह रहे हैं और उसका सेकेंड स्टेप गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि वो घर आपको कमाई दे देगा गाड़ी आपको शायद कमाई ना दे हाँ इन अगर आप एयर कैब वगैरह कर रहे हो वो पॉइंट अलग है कि भाई गाड़ी से भी आप इनकम ले रहे हो लेकिन पॉइंट वही है आपने घर बाद में लेना ही है सो घर को प्रायोरिटी स्टेप वन एंड देन कार को स्टेप नंबर टू मेरा नेक्स्ट कनेक्टेड क्वेश्चन इसी से पहुँच जाएगा कि मैंने सुना था कुछ फर्स्ट टाइम होम बैर नाम की चीज़ भी होती है हाँ वो क्या होता है तो फर्स्ट टाइम होम बैर को यही है कि उसको मोर चांस ये है कि फाइव परसेंट पर वो ले सकता है उसके ऊपर लेस क्वेश्चन होते हैं बैंक से और दूसरा ये है कि न्यू ब्रंसिंग में इतनी रिबेट्स कोई वगैरह कोई रिबेट नहीं है फर्स्ट टाइम होमवर की बस यही है कि जब आप टैक्सेस करते हो तो आपको अराउंड सेवन फिफ्टी डॉलर का क्रेडिट मिल जाता है ओके और बाकी प्रोविंस में रिबेट होती है जैसे ओनटेरियो में रिबेट होती है उस क्लोजिंग फीस पे रिबेट होती है वैसे कई सारी रिबेट्स होती हैं वहाँ पे

अभी जो इन्होंने न्यू पॉलिसी शुरू करी हैं तो आप एट थाउजेंड तक उसमें डिपॉज़िट कर सकते हो जैसे जैसे आप कपल हो तो आ, एक 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 बंदा एट थाउजेंड करो दूसरा बंदा एट थाउजेंड करेगा तो क्लब करके आप सिक्सटीन थाउजेंड दो अकाउंट्स में आप जमा कर सकते हो hmm. तो एंड ऑफ द ईयर जब आप टैक्सेस करोगे देन यू देन दे विल डिडक्ट दैट सिक्सटीन थाउजेंड फ्रॉम योर इनकम तो फिर आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा यू गेट द टैक्स बेनिफिट ऑन इट और कुछ बेनिफिट मिलता हो फर्स्ट टाइम होम बायर को इसके अलावा एक आधी स्कीम है कुछ और भी स्कीम थी गवर्नमेंट की जैसे वो अप टू तक लैंड करते थे देन दे अपने थर्टी फर्स्ट मार्च दिस ईयर और अभी एक और स्कीम है पर वो दैट इज नॉट वेलीबल एक्चुअली टू और yeah, अगर ये ही वाला दोबारा से कोई प्रॉपर्टी लेने जाएगा फिर उसको डाउन पेमेंट फाइव परसेंट वाला क्लास निकल जाएगा फिर उसको कितने देने Again, they can do 5%. नहीं कुछ कंडीशन में आप ले सकते हो आप फाइव परसेंट दूसरी प्रॉपर्टी भी एकट इज लाइक लोगों को पता नहीं होता कैसे करनी है मतलब अगली प्रॉपर्टी लेनी है तो बीस परसेंट

दूसरे घर घर में तो आप कहोगे दैट इज माय दैट वुड बी माय प्राइमरी रेजिडेंस तो आप अगर मूव कर रहे हो उस घर में तो देन यू कैन अ सेकंड प्रॉपर्टी एट एज वेल ओके तो मतलब मेरी प्राइमरी अगर रेजिडेंस एड्रेस सब कुछ चेंज होता है तो okay. गवर्नमेंट की नज़रों में वो आपने एज इन रेंटल चढ़ा दी बट आप रह रहे हो सेकेंड प्रॉपर्टी में तो अगर मैं उन्हें बोलूँगा कि मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में मेरा प्राइमरी रेजिडेंसी रहेगी तो so, उसको वो 5% की तरह काउंट करेंगे हाँ जी मतलब अगर आप मूव करोगे उसमें तो यू हैव टू बी एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेकंड प्रॉपर्टी तो वो दूसरी प्रॉपर्टी तो फिर रेंटल इनकम की तरह काउंट होगी ना हाँ जी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिर वो रेंटल रेंटल उस पे टैक्स जो वैसे 1.5% होता है यहाँ पे हाँ जी, तो, जी, तो जी, रेंटल पे उधर 2% इयरली 1.5 का फर्क है हां जी 0.5 का फर्क है अराउंड ओके अच्छा अब हम न्यू ब्रंसविक के अंदर है अगर हम रियल पहली बात तो यहाँ न्यूब्रंसवे के अंदर अगर कोई भी बंदा रियल रियल्टर के लिए कुछ भी सर्च करे तो यहाँ पे रियल्टर की एक वेबसाइट कॉमन ही है जो रियल्टर आप गूगल पे सर्च करोगे रियल्टर तो एक टॉप बेस्ट वेबसाइट आएगी जिसके अंदर सारी लिस्टिंग होती है क्या नाम है रियल्टर डॉट सी है रियल्टर डॉट सी है सो इसी वेबसाइट के अंदर सब कुछ मिल जाता है अगर हम मोस्टली प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो मेरी अगर मैं आज भी देखूँगा तो मोस्टली वो प्रॉपर्टीज़ उतनी नई नहीं दिखेंगी 1970s, 80s, 90s हाँ ऐसी टाइप की दिखेंगी आई डोंट नो चलो वो पुराना लोग अब सेल आउट कर रहे हैं या मूव ऑन हो रहे हैं वो एक डिफरेंट मैटर है बट अगर कोई फर्स्ट टाइम घर ले रहा है तो वो पुरान, पुरानी प्रॉपर्टी ले नहीं ले या क्या सोचे हाँ जी ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका तो ये डिपेंड करता है बेसिकली हर एक की सोच पे अब कई लोग स्ट्रेस ले सकते हैं दे कैन पे लेस एंड गेट द ओल्ड प्रॉपर्टी Okay. और जो लोग स्ट्रेस नहीं लेना चाहते तो उनको तो यही सजेशन है आप थोड़ी मतलब कि अच्छी प्रॉपर्टी ले लो दस पंद्रह साल के बीच में ताकि आपको आ, इतनी कोई प्रॉब्लम्स ना आए हाँ जी अगर आप नई प्रॉपर्टी लेते हो तो इट कम्स एट एक्सपेंस एज़ वेल इट इज़ एक्सपेंसिव देन यू हैव टू पुट योर अप्लाइंसिस इन ब्लाइंड इन करटनज इन सो देन देर इज़ नो फेंसिंग अराउंड द हाउस और आपको स्टोरेज शेड भी नहीं मिलता पीछे तो वो सारी चीज़ें कोई कॉस्ट भी है उस पर और घर में पेंट भी नहीं होता बेसिकली हाँ जी तो पेंट भी नहीं होता पेंट भी नहीं होता मतलब कि वाइट पेंट वो एक सिंपल सी कोडिंग बिल्डर्स पेंट कह देते हैं उसको वो करके छोड़ देते हैं जी ओके okay. सो so, अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये गाड़ी की तरह हो गया हाँ जी कि आपने पुरानी गाड़ी ले ली तो आपको नहीं पता वो कितनी चलेगी हाँ जी और अगर बड़ा खर्चा हो गया आ गया तो आपने अपनी जेब में से पेमेंट निकालनी है सारी हाँ जी और एज कम्पेयर टू अगर आप नई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको एक रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि भाई ऑल ऑफ क्यू नई ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी या हाँ इसमें क्या ही खर्चा आएगा क्योंकि आपने इनिशियली उसके ऊपर इन्वेस्ट कर लिया जी। मैं अगर रफली के ऊपर जाऊँ भैया आज 2024 में एक सिंगल होम बायर के लिए मैं कपल भी नहीं कह रहा जी। प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होगा मिनिमम सिंगल होम बायर अब जो माउंटेन में एवरेज प्राइस है एक प्रॉपर्टी का वो है थ्री फिफ्टी ओके तो अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है सही प्रॉपर्टी लेनी है नॉट अच्छी मतलब सही प्रॉपर्टी तो वो आएगी फोर हंड्रेड के करीब okay. हाँ तो जी ये नहीं में होती है फोर हंड्रेड में फोर हंड्रेड में हाँ जी कोई मतलब के अच्छी मतलब के आपको बेडरूम्स ऊपर मिलेंगे okay. और लोकेलिटी वाइज अच्छी होएगी और दस पंद्रह साल के बीच में सो so ये फोर हंड्रेड वाले जो आप बता रहे हो वो रेंट वाली है हाँ जी उसमें रेंट रेंटल अपॉर्चुनिटी तो। भी आपको मिल जाती है और उसमें नहीं होती वो जो थ्री फिफ्टी वाली थ्री फिफ्टी में तो आपको पुराने घर मिलेंगे एक्चुअली जिसमें उन्होंने रेनोवेशन करी होती है okay. तो अगर कोई रेनोवेट करके बेच रहा तो जरूरी नहीं वो ढंग का सामान लगाएगा बंदा जिसने वो बेचने के हिसाब से उसने रेनोवेशन करी है तभी वो उसका प्राइस तो तभी वो उसका प्राइस कम होता है सो so, अगर कोई नया बंदा प्रॉपर्टी ले रहा है इस कंट्री में और उसको इंस्पेक्शन करानी हो तो वो ओवरऑल ऑप्शन भी है यहाँ पर जो सर्टिफाइड इंस्पेक्शन हो जाए जिससे वो है, हैसल फ्री हो गया प्रॉपर्टी ले लें हाँ जी आ, मैंने मेरे हिसाब से अपनी हंड्रेड जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक करी हैं 99 नाइन परसेंट दे विद इंस्पेक्शन एक्सेप्ट लाइक कोई नई प्रॉपर्टी है बिल्कुल नई प्रॉपर्टी उसमें शायद मैंने मिस करी हो कभी कभार नहीं तो अदरवाइज मैं रेकमेंड करता हूँ इंस्पेक्शन इज मस्ट बेयर कौन करता एक्सपेंस जो प्रॉपर्टी लेने वाला बंदा ये वो? हाँ जी ये बायर के ऊपर ही है अगर वो चाहे तो कि इंस्पेक्शन करा, करा के बिल्कुल हाँ जी कंपलसरी नहीं है कि भैया मैंडेटरी नहीं है कि आपने कराना है तो मतलब अगर आपको अपना हेड एक नहीं लेना तो इंस्पेक्शन क्या खर्चा आता होगा इंस्पेक्शन का फाइव प्लस टैक्स

जो भी हैं जो वहाँ रह रहे हैं वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पर चढ़ा के एंड देन वो वहीं पर रह रहे हैं बैकआउट जहाँ उन टैरियो में रह रहे थे काइंड ऑफ आपका वो नहीं होता एक रेंटल इनकम आ हाँ जाएगी उस करके, और क्योंकि उनको सस्ती भी पड़ रही थी उस टाइम भी ये प्राइजेज यहाँ पर नहीं थे सो so, आज ये पॉसिबल है कोई किसी और प्रोविंस से बंदा न्यू ब्रंसविक में या न्यू ब्रंसविक का बंदा किसी और प्रोविंस में प्रॉपर्टी ले सकता है हाँ जी डेफिनेटली मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उधर बैठे इधर इन्वेस्टमेंट करी है ओके तो वो कभी आए भी नहीं इधर उन्होंने प्रॉपर्टी खुद मतलब आके देखी भी नहीं तो जस्ट ऑन द वीडियो दे बॉट द प्रॉपर्टी एंड अब वो रेंट पे चढ़ी हुई है ओके okay, ये तो आपका हो गया कि उधर के लोगों ने यहाँ लेनी है हाँ जी अगर आपका किसी फ्रेंड को कहीं और यहाँ से बाहर लेनी है देन आप उसकी जिम्मेवारी लेते हो उदलवाने की या फिर उसको वहाँ से कोई रियल्ट हाँ जी मैं उसको वहाँ से उस प्रोविंस का कोई रियल्टर ढूंढ देता हूँ क्योंकि जैसे मैंने मेरा लाइसेंस इधर का ही है न्यू ब्रंसविक का तो मैं किसी और प्रोविंस में डीलिंग नहीं कर सकता एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता सकता सो बेसिकली एक के पास जह, का लाइसेंस होता है okay. है, है वो वहीं ही हेल्प कर बिल्कुल जी सकतालीके मेरा एक मेन ये क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली लोग प्रॉपर्टी जो होते हैं वो आपका रेंटिंग रेंटल इनकम बनाने के लिए लेते हैं और शायद इसके पीछे आपने अभी बात की भी थी हाँ जी किसी ने प्रॉपर्टी लेके पूरी की पूरी प्रॉपर्टी समझ लो आज खरीदी वो क्लोजिंग हुई बैंक की जितना मैंने अभी तक जाना है बचाना है कि आप एक बैंक को साइन करके देते हो कि आई एल बी स्टेइंग स्टेइंगेयर और ये सारा कुछ मेरे ऊपर रहेगा एंड देन बैंक आपको आपकी जिम्मेवारी पे प्रॉपर्टी दे देती है पॉसिबली hmm. मैंने ऐसा होता देखा नहीं है मैंने hmm. कई बार वो फेसबुक पे अगले दिन ऐड देख ली कि वी आर जस्ट रेंटिंग इट आउट और वो पूरी प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ानी होती है विच इज़ नॉट काइंड ऑफ लीगल क्योंकि hmm. आप बैंक को प्रामिस करते हो सो पार्शल प्रॉपर्टी चढ़ाना या फुल प्रॉपर्टी चढ़ाना किस चीज़ में फ़ायदा होता है क्या आप खुद रहो या पूरी प्रॉपर्टी चढ़ा दो लीगली भी और दूसरा भी हाँ <coughs> जी मैं तो यही कहूँगा अगर किसी ने कहा कि आई विल मूव इन टू द प्रॉपर्टी तो ही शुड मूव इन टू द प्रॉपर्टी तो अगर रेंटल ही चढ़ाना तो हाँ जी अगर पूरी रेंटल चढ़ रही है आपकी तो

कुछ ना कुछ चेंजेस मिले इंश्योरेंस लेनी है मुझे नहीं पता था लॉजिकली आपको पता होना चाहिए और आपने स्टडी करी होनी चाहिए हमारे पी आर आई जो भी हमारे को देख रहे हैं हमारे यही था हमारी जैसी पी आर आई हमने उसके एक दो महीने बाद प्रोसेस किया चलो वो तो लिखा होता आपको जो मिलना है बट हमें कई चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि क्या क्या इंश्योरेंस आती है फिर किसने बताया कि थेफ्ट की होती है फायर की होती है और मतलब ये आप सब आपको सब लेना पड़ता है सो so, क्या क्या होता है भैया मतलब आपको क्या क्या चीज़ें खर्चे ध्यान में रखने चाहिए एक्सेप्ट की आपको पता है कि आपकी घर की एक आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी हाँ जी उसके अलावा हाँ जी घर की इंस्टॉलमेंट के अलावा सबसे पहला तो वो जो टैक्स है बड़ा पोर्शन आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स देना वन पॉइंट फाइव परसेंट तो वो आप ध्यान में रखें और उसके बाद आपकी जो आपने बताया प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हाँ जी वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो इंश्योरेंस में एक ही इंश्योरेंस में सब कुछ कवर हो जाता है वैसे अच्छा मतलब एक ही सब इंश्योरेंस में कवर हो जाता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर बंदा बैंक खुद ढूंढे या फिर कोई और रेफर भी करता है तो हमारे इधर तो आ, वैसे टी बेस्ट है अगर आपने आ, होम इंश्योरेंस देख रहे हैं तो आप गूगल में सर्च करोगे सबसे टी डी का टी डी क्योंकि टी की लोएस्ट है एक्चुअली हाँ। अपना जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ना तो बेस्ट टू तो गो विद और दूसरा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने लाइबिलिटी अपने ऊपर ले ली है तीन लाख की चार लाख की तो यू हैव टू हैव ए पर्सनल इंश्योरेंस एज वेल वो आपकी अपनी सेफ्टी है okay. तो उससे होता क्या अगर खुदा न खासा कुछ एक बंदे को हो जाए तो दूसरे बंदे के ऊपर फुल लाइबिलिटी आ जाएगी तो उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है सब कुछ भी करना तो होएगा क्या अगर आपकी पर्सनल इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस का पोर्शन बैंक को चला जाएगा और प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी आपकी तो आप एक चीज़ इससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल मैं जिस कंपनी में हूँ वो कंपनी मुझे इंश्योरेंस देती है पर्सनल इंश्योरेंस उसके अलावा और भी कोई इंश्योरेंस लेनी चाहिए या फिर वो दैट इज इनफ नहीं वो दैट इज़ नॉट इनफ क्योंकि जब आप जॉब छोड़ते हो तो हाँ। वो इंश्योरेंस खत्म हो जाती है ओके okay, सो so, क्या वो वाला ऑप्शन है कि मैं जब जॉब छोड़ूंगा तो मैं घर के लिए एक नई इंश्योरेंस ले लूं या फिर एट द सेम टाइम जब मेरी क्लोजिंग हो रही होगी मुझे तभी लेनी है जब आपकी क्लोजिंग हो रही है इट इज बेटर टू हैव द इंश्योरेंस एट द सेम टाइम सो अगर मैं पर्सनली हाँ। बोलूं कि अगर मैं या मेरे जैसा कोई बंदा जॉब पे भी इंश्योरेंस की मनी दे रहा है घर तो पे घर के लिए भी और दे जॉब पे आपको वन मल्टीपल फ्री मिलती है जो पर्सनल इंश्योरेंस है नहीं मल, नहीं नहीं फ्री मिलती वो वीकली में कट के आता है वीकली में चलो हाँ। जो मैंडेटरी है उनकी वो में, one, उनकी तो है ही आप नहीं कहेंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वह हाँ। थ्री

इंश्योरेंस जैसे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट करी हुई है okay. एक तो इंश्योरेंस हो आप होम इंश्योरेंस जो लो जो लोगे उसकी मैंडेटरी है तो आप अपनी इंश्योरेंस को कहोगे कि ये मैं रेंट कर रहा हूँ तो जो आपके टेनेंट आएंगे वो अपनी टेनेंट इंश्योरेंस लेंगे वो खुद लेंगे हाँ जी, वो, वो सिर्फ उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर करता है घर का कुछ नहीं कवर करता उसमें okay, तो मतलब उन्हीं के लिए भैया के कहने का मतलब है इन इन केस अगर आपका घर लेने का प्लान ना हो तो अगर आप कहीं पे भी रेंट पे भी रह रहे हो देन तो यू कैन गो फॉर टेन एंड इंश्योरेंस वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है सो दैट इज द मेन पॉइंट बट कुछ भी चीज़ इंडिया से बंदा सोच के आए या अपनी कंट्री से सोच के आए घर लेने से पहले यहाँ पे आने के लिए पहले तो आपको करियर में थोड़ी सेटलमेंट चाहिए Okay. जब आपकी करियर में सेटलमेंट होगी या आपकी प्रोबेशन कवर होगी वैसे यूजुअली जो बैंक्स वो कहते हैं कि आपकी एक दो साल की हिस्ट्री हमें चाहिए जॉब की okay. और ये कितनी कि हिस्ट्री चाहिए हाँ जी जस्ट टू आई एम सॉरी टू कट यू आउट हाँ जी मिनिमम कितनी हिस्ट्री होनी चाहिए एक बंदे के पास बैंक तक जाने के लिए कि तीन महीने की जॉब कर रखा है छः महीने के बाद मैं घर ले सकता हूँ मिनिमम तो प्रोबेशन वो क्रॉस हो जाए क्रॉस होनी चाहिए हाँ जी बाकी कई बार वो पुरानी हिस्ट्री भी आपकी कैलकुलेट कर लेते हैं इट डिपेंड्स ऑन बैंक 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 टू एवरी इज डिफरेंट नहीं ये ये आगे. सही ऑप्शन है जब मेरे पास घर की क्लोजिंग का टाइम आया था सो एक क्वेश्चन मेरे सामने खड़ा हुआ था कि आपकी इस प्रॉपर्टी पे पीछे ही कुछ टैक्सेस हैं और वो ऑल ऑफ सडन आए सो ये आपको कौन बताएगा पहले से तो ये जब जिस दिन क्लोजिंग होती है ना तो उस दिन आपको लॉयर ने ये एक्सप्लेन करना होता है उसी दिन हाँ जी सेम okay. डे और वो बहुत सारा टैक्सेस और किसी के पास पैसे उस लेवल पे नहीं हो फिर नहीं, मैं बताता हूँ होता क्या है कि, कि जब आप क्लोजिंग कर रहे हो हुँ. तो अगर जो सेलर है उसने पिछला टैक्स नहीं दिया लेट्स से कि आप मई में बाय कर रहे हो और उससे पीछे जनवरी से सेलर ने टैक्स नहीं पे किया तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है ओके okay. क्लोजिंग में तो आप पहले ही कम पे कर रहे हो उतना ओके okay. तो फिर होता गया आपको उसके बाद अपने खुद से पे करने पड़ते हैं सरकार को ओके okay. और इसके अलावा एक होपफुली एक लास्ट क्वेश्चन जो होता है कि क्लोजिंग yes. कॉस्ट क्या होती है भैया क्लोजिंग कॉस्ट में आ, मतलब के एंड के जो सारे खर्चे हैं उसमें डाउन पेमेंट भी है आपकी रिमेनिंग जैसे आपने स्टार्टिंग में आ, टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड या फाइव थाउजेंड डिपॉजिट किया तो अगर आप फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट डाउन करें तो जो रिमेंडर पोर्शन है डाउन पेमेंट का वो ऐड होता है उसमें और साथ में लॉयर की फ़ीस ऐड होती है फिर उसमें मॉर्गेज की फीस ऐड होती है तो ये सारी फ़ीस ऐड जो और बाकी एडजस्टमेंट्स हैं आपकी जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की एडजस्टमेंट्स हैं अगर

सिटी के बारे में कुछ नहीं बता हाँ वो लॉयर खुद अपना लाएगा कि रियलटर उनकी हेल्प कर देते हैं अगर आपके पास कोई लॉयर नहीं है तो डेफिनेटली रियलटर आपको हेल्प करेगा लॉयर ढूंढने में उसकी फीस कितनी होती है आज 2024 में मिनिमम एवरी लॉयर इज डिफरेंट एक्चुअली चलो मिनिमम तो मिनिमम uh, 850 प्लस टैक्स ओके okay, और हाईएस्ट हाँ। तो फिर 1.5 2000 3000 जहां तक चली जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट लॉयर हां जी कि उसका क्या एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से मेरे पास जो जो मैंने क्वेश्चन डाला था दैट इज़ लाइक कवरिंग एवरी क्वेश्चन और शायद आपके पास ये क्वेश्चन आते भी रहते होंगे बट मेरा पॉइंट ये है कि कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि आपने घर कैसे लिया और कैसे मिला देखो कई चीज़ें तो लिखी होती हैं कि आपने कहाँ रहना है जो मुझे पता है जो हमारी स्टोरी है वी हैव नेवर शेयर कि हम लोगों ने दस साल पहले भी ट्राई किया था बट वो घर मिलना आज दो में लिखा था तो वो मिला वो जैसे मिला सो दैट इज़ समथिंग एल्स मेरा मोटिव यह है कि आप प्री प्लान होकर रखो भैया ने जो चीज़ कवर की आई नो कि हर बंदे का एक शौक होता है गाड़ियाँ रखना और हम हमारा मेरा खुद का भी है कि अच्छी सी अच्छी हो बट पॉइंट ये है कि आप घर पहले लो देन गाड़ी लो ये लर्निंग ऑफ द डे लेके चलो एंड देन एज सुन एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके भैया ने एक पॉइंट और क्लियर किया कि आप प्री अप्रूवल कराओ मुझे पता हो कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं सो दैट इज़ मेन थिंग बाकी भैया ने आपको जितनी चीज़ें दिखाई हैं जो बताया है दैट इज़ गुड एन इनफ हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं मेरा एक ही क्वेश्चन है आप जहाँ से भी कनाडा में हमें देख रहे हो जो भी कुछ क्वेश्चन हो अगर आपका न्यू न्यू ब्रांसिक्स से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन पर डाल दो भैया के सामने पूरी वीडियो होगी ऑफिशियली और वो देख के अगर कुछ ऐसा होगा तो वो खुद रिप्लाई भी कर पाएंगे नीचे लिख के जितना हो सके हमसे पॉइंट हो के बट इट्स लाइक आई वाज अबाउट टू कवर एवरीथिंग सो मेरा ध्यान यही था कि मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें कवर करूं नॉट इट्स लाइक हम किसी को हम मैंने जैसे पहले स्टार्ट किया था ना हम कोई रियलटर या कोई प्रॉपर्टी या किसी को प्रमोट नहीं करें वी आर जस्ट टेकिंग दोज क्वेश्चन जो हम मेरे दिमाग से मैं आज से थी छः महीने पहले थे बट आज धीरे धीरे कवर हो गए क्योंकि वो मुझ पर पड़े वो वो लोड मैं ले पाया एकदम से खर्चा मेरे ऊपर आ गया कई लोग वो लोड नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके आप पे बस पहले ही इतने खर्चे होंगे अपने रेंट फीस ये वो सब कुछ और हम कपल हैं कई लोग सिंगल होंगे सो इट्स लाइक प्लानिंग योरसेल्फ और मुझे लगता है कई पेरेंट्स भी हमें देख रहे होंगे सो आप अपने हिसाब से प्लान अप करो जैसा आपको पसंद आए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जस्ट डू लीव लाइक एंड कमेंट जो भी आपको पसंद आए जो भी आपको लगा कि भाई और क्वेश्चन है बस कमेंट में डाल दो एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइस